अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर इस्लाम धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तक पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। बता दें, सोशल मीडिया पर एक समीर नामक युवक ने इस्लाम धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तक पर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे देख विशेष समुदाय के लोगों में आक्रोश पनप गया। लोगों का आरोप है कि इस तरह के पोस्ट से लोगों की आस्था पर ठेस पहुंची है और इसको लेकर बीती शाम जामा मस्जिद पर एकत्रित होकर लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा और तहरीर देकर पुलिस से कार्यवाही की मांग करते हुए जल्द युवक की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को पुलिस जल्द चिन्हित कर कार्यवाही करे ताकि आगे कोई ऐसी हरकत न कर सके जिससे देश और शहर में अमन चैन बना रहे। देखिए, अलीगढ़ थाने में हम लोग आए, एक जिम्मेदार हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन सुकून चैन रहे। पहली चीज, ये एक्स समीर नाम का एक इंसान की शक्ल में जानवर इस मुल्क में मुसल्लत हुआ है, वो पूरे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम थाने में आए हैं, हमने एक ज्ञापन दिया है और हमने उसमें ये अपील की है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो। और विज्ञापन देने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि जो एक्स समीर, जो इंसानी शक्ल में जानवर है, इसने कुरान पाक की तौहीन की है। तौहीन भी इस तरीके से की है कि ये जो हमारी किताब है, ये दुनिया की सबसे मुकद्दस और मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब है। हर एक मुसलमान इस किताब से अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने घर बार से ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमारे लिए ये कुरान पाक ऐसी किताब है कि इसके लिए हम अपनी जी जान माल सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरी इस हिंदुस्तान की पुलिस से ये अपील है और साथ के साथ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी अपील है कि इस एक्स मुस्लिम जिसका नाम समीर है, इसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाले और इसको सख्त से सख्त सजा दे ताकि आने वाले वक्त में इस हिंदुस्तान का, इस मुल्क का कोई भी इंसान लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना कर सके। सिर्फ हमारा यही मकसद था कि इसको, जो इसने हमारे कुरान पाक की बेहुरमती की है, इसको इसकी सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए 80 न्यूज़ इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।